Assalamualaikum, welcome back to the channel. मैं हूँ दिशा अखलाक ऑनर, आप देख रहे हैं दिशा अखलाक ऑनर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो जनाब मैंने आज के सेंस कुछ ऐसे हैं कि आज है फ्राइडे और वैसे तो मैं डेली ब्लॉगिंग करता हूँ फेडरल दिन, लेकिन आज मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरी ओपिनियंस जो इस वक्त मुल्क की हालात चल रहे हैं उनके बारे में। तो जनाब मंगल को जब मुझे पता चला कि इमरान खान को अरेस्ट कर दिया गया तो काफ़ी गहमा गहमी थी पूरे पाकिस्तान के अंदर भी, और मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि इमरान खान को कैसे अरेस्ट कर दिया गया। तो मैंने न्यूज़ खोली, फिर न्यूज़ देखी तो जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, सबसे पहले तो वो अरेस्ट नहीं था जो मुझे समझ में आया, क्योंकि आप अगर किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं उसके लिए एक मेन रूल है कि आपके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए। ठीक है, और आप उस बंदे को वारंट दिखाएंगे और बंदा आपके साथ जाएगा, दिस इज़ द रूल। ठीक है, मेरे को खुद सस्पेक्टर है पुलिस के, इतने रूल्स तो मुझे पता है कि ये होते हैं। ठीक है, और जनाब फिर उनको उठाया गया जिस तरीके से, और आहत अदालत से उठाया गया, लेकिन कल उनको फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको रिहा कर दिया जाए और गेस्ट हाउस में रखा जाए, और आज हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दी है 14 दिन की, जो बड़ी खुशी की बात है। और इसके अलावा हट के जो मुल्क की हालात बने, पाक आर्मी को गालियाँ दी जा रही हैं जो नहीं होना चाहिए, मैं किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बात यह है कि मुल्क हमारा, हमारी आर्मी है, हमारे लोग हैं, दिफाई इदारे हमेशा मुल्क की सलामती के लिए ही काम करते हैं, और हमारे पाकिस्तान मेरे हिसाब से ISI और आर्मी ने अभी तक बचा के रखा हुआ है, जो हमारे दिफाई इदारे ही हमारी आन शान और मान है। ठीक है, और इनके अलावा पाकिस्तान नहीं चल सकता। सो जिन लोगों ने ये किया उनको नहीं करना चाहिए था, कोर कमांडर हाउस में आग लगाई गई वो भी नहीं करना चाहिए था, DHQ पे हमला हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। आई होप कि वो बेल सलामत रहे और इनको कोई दूसरे किसी केस में ना उठाया जाए। सो बस मैंने यही थे आज के ओपिनियन देने थे, और बस ये थोड़े से मेरे ओपिनियन थे। तो आई होप कि आप आज की ये छोटा सा क्लिप अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।